बाय द वे मैं डालने वाली हूँ वीडियो में, लेट हुए थे। अच्छा मेरी वजह से ये बिरयानी हम लोगों ने जो ऑर्डर फॉर अ सीक्रेट लोकेशन। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी ये क्रिसमस के हॉलीडेज हैं, तो हमने सोचा एक शॉर्ट ट्रिप मार लेते हैं औरंगाबाद का, जिसमें हम 3-4 दिन के लिए औरंगाबाद में रहने वाले हैं। एंड हम लोग ना अपनी कार से ही ट्रैवल कर रहे हैं। पुणे टू औरंगाबाद ज्यादा दूर नहीं है, 5-5.5 घंटे लग जाते हैं बाय रोड। सो इससे पहले हमने ना एक और वीडियो डाला था पुणे टू गोवा बाय रोड, उसपे काफी अच्छे व्यूज मिले, तो हमने सोचा ये वाली जर्नी भी ना शेयर ही कर लेते हैं। तो हम लोग अजंता एलोरा के साथ साथ ना यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि इंडिया में ना एक लौती ऐसी एक प्लेस है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट। शिवम भी कार चला के थक गया है, तो लेटा है। नींद आई है क्या? सही में नींद आ रही है। लेकिन हम लोगों ने काफी ज्यादा, मतलब हमने बड़े बड़े रोड ट्रिप किए हैं, तब तो तुम इतना नहीं थके, आज क्यों थक गए? रात में सोया नहीं, ठीक से नींद नहीं आई रात में। बाय द वे मैं डालने वाली हूँ वीडियो में, कट कर देना। नहीं मैं कट नहीं करूंगी, करूंगी। मैंने बोला ना नहीं करूंगी। मैं बताती हूँ कि हुआ क्या, हम लोगों ने काफी ट्रिप्स मारे हैं। जैसे हम पहले पुणे से कानपुर भी गए हैं बाय रोड, बट वो जो रोड्स थे ना वो प्योर हाईवे थे, जो नेशनल हाईवेज होते हैं। यहाँ पे भी नेशनल हाईवे था, लेकिन जो रोड्स थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, स्मूथ नहीं थे, काफी ज्यादा। एक तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, हो सकता है हम लोग ना निकलने में काफी लेट हो गए। हम लोग निकले थे, किस टाइम निकले थे हम लोग? 8:30-9 बजे। तो उस टाइम ना बहुत ज्यादा बीच में आपको ट्रैफिक मिलता है। लेट क्यों हुए थे? लेट हुए थे। अच्छा मेरी वजह से हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि मैं तैयार नहीं हो पाई थी टाइम पे, और मेरा उठने का भी मन नहीं हो रहा था सुबह। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग निकलेंगे, किस टाइम निकलेंगे? 6 बजे ना, 6 बजे निकलने वाले थे, और 6 बजते मैंने 9 बजा दिए। फिर उसके बाद हम निकले, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला। अगर आप लोग ऐसे आ रहे हो ना औरंगाबाद, तो प्लीज हमारे जैसा मत करना, आप टाइम से निकल जाना ताकि ट्रैफिक ना मिले और आप इतने ज्यादा थको भी नहीं। सो गाइस, यहाँ पे ना लंच आ चुका है। ये बिरयानी हम लोगों ने जो ऑर्डर की थी, बड़ी लजीज सी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे रायता भी इन्होंने काफी अच्छी क्वांटिटी में दिया है, मोस्टली बहुत कम दे देते हैं लोग बिरयानी के साथ। एंड देन यहाँ पे दिया थोड़ा सा सैलेड, जिसमें प्याज और नींबू। चलो देखते हैं कैसा है खा के। कैसी लगी फिर तुम्हें बिरयानी? कुछ भी दे दो सब अच्छा लगता है। क्या तेज बोलो थोड़ा, भूखे का कुछ भी दे दो सब अच्छा लगता है। और शिवम की थाली से दिख रहा होगा एकदम चट कर गया है वो, बहुत तेज भूख लगी थी। भूख भी बहुत तेज लगी थी, लेकिन बिरयानी डिलीशियस भी थी, है ना, अच्छी थी ना। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मिर्च है या फिर ज्यादा नमक है, मोस्टली में हो जाता है, बट काफी अच्छी थी। एंड हाँ, अगर आप यहाँ पे आओ ना तो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो। सो अभी हम लोग ना फटाफट रेडी होके निकलते हैं बीबी का मकबरा देखने। एंड आई गेस हाँ, आज हम वही कर पाएंगे, क्योंकि कल हमें जल्दी उठना है फॉर अ सीक्रेट लोकेशन, जिसके लिए आपको ना वीडियो जरूर देखना पड़ेगा।